भीम रेजिमेंट के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने नाले में पुल निर्माण करने की मांग को लेकर जल सत्याग्रह आंदोलन किया है, जहां ग्रामीणों ने नाले के पानी में घंटों खड़ा रहकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विलाईगढ़ विधानसभा के अंतर्गत ग्राम ठाकुर दिया और धारा शिव के बीच स्थित नाला में पुल निर्माण को लेकर भीम रेजिमेंट के पदाधिकारी मनीष चेलक द्वारा जल सत्याग्रह किया गया, जहां मनीष चेलक ठाकुर दिया वो आसपास के ग्रामीणों के साथ मिलकर नाला के अंदर पानी में घंटों बैठ पुल निर्माण की मांग करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं जल सत्याग्रह में बैठे मनीष चेलक ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद 20 गाँव के नाले में पुल निर्माण नहीं हुआ। पिछले कई वर्षों से यहाँ के ग्रामीण द्वारा जनप्रतिनिधियों को अनेक बार आवेदन दिया गया, उसके बावजूद अब तक ग्रामीणों की मांग पर केवल आश्वासन ही मिला है। हम लोग का समस्या है कि हम लोग बरसात में स्कूल जा नहीं सकते हैं और जल्द से जल्द पुल का निर्माण होना चाहिए। और हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, हमारे गांव में यही एक रास्ता है विलाईगढ़ जाने के लिए, तो हम लोग को जल्द से जल्द पुल का निर्माण चाहिए, इसलिए हम लोग पानी में जल सत्याग्रह का कर रहे हैं। नाला के हम निर्माण चाहते हैं पुल के लिए। और सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुई तो अजीत जोगी मुख्यमंत्री रही से, तो वो समय हमारे यहाँ के जेहर का कथे बाहर के रही से वो आदमी है जम्मू कश्मीर तरफ, तो 6 आदमी है शहीद हो गए रही से। ओकर संबंध में भूपेश बघेल आए रही से वे और ये नाला के घोषणा करके जे है सन 2000 मुख्यमंत्री रही से जब अजीत जोगी है।